हमारे कोऑर्डिनेटर साहब मिस्टर मनीष चड्ढा लाल सबई हमारे कहावत है आयो लाल देखो चौदह झूलेलाल तेरा जीना बेड़ा पार मतलब जो हमारे झूलेलाल का नाम लेगा उसके बेड़े ही पार। आज से करीब 1100 पहले साल पहले इन्होंने सिंधु घाटी पे अवतार लिया था। ये चलिए उसी खुशी में मनाते हैं कि 40 दिन हमारे बुजुर्गों ने वहां पे तपस्या करी थी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तब इन्होंने प्रकट होके मछली पे सिंधु नदी पे और आकाशवाणी करी थी कि चैत्र नवरात्रे में ये माता देवकी और पिता रतन राय के यहाँ जन्म लेंगे जिसको हम चेटी चंड कह के मनाते हैं। आपने सुना होगा चेटी चंड का नाम। तो एक बारी चेटी चंड का फंक्शन प्रदेश ऑफिस में भी हो चुका है आज से करीब 2 साल पहले। अब उम्मीद है अब फिर करेंगे हम। अब मैं आपसे कहूंगा 2 शब्द अगर आप कुछ बोलना चाहें। जो भी आपने बताया कि सिंधी समाज का चालीसा और रोज डेली झूलेलाल जी की भगवान झूलेलाल जी का रोज यहाँ पे भजन कीर्तन, तो मैं भी आपको एक बात बता दूँ कि मैं कम से कम 8-10 साल नासिक रहा, तो जो जहाँ में रहता था वो तो समझो आपके लोगों की करुणा है। नासिक में भी बहुत सारे नासिक में बहुत है। आपके लोग हैं फिर नासिक से कई बार में उल्लासनगर भी जाते हैं। तो वहाँ तो 90-95% आप लोगों के लोग ही रहते हैं। उल्लासनगर को लोग USA के नाम से तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये जो चालीसा रखते हैं और ये जो पूरा भगवान का वर्णन करते हैं, जैसे आपने अभी बताया ना कि यहाँ और समाज के भी लोग हैं, तो मैं आपको एक बहुत पुरानी बात याद कराता हूँ कि जब ये जो आज रूस है उस समय सोवियत संघ होता था। उस समय सोवियत संघ होता था तो सोवियत संघ की 21 कंट्रियां बनी थी सारी, आज ये यूक्रेन और ये सब सोवियत संघ के हिस्से थे। और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे गॉर्बचोव, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी थैचर। तो उन्होंने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री से बोला सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे कि जैसे हमारे यहाँ सोवियत संघ में हर अलग अलग मुल्क है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कंट्री है, तो ऐसे हिंदुस्तान में भी हर 100-200 किलोमीटर के बाद अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान और अलग अलग रहन सहन है, तो वो लोग एकजुट कैसे हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि उन्होंने कहा कि वहां का जो धर्म है ना, वहां का धर्म कॉमन है। वहां राम सब जगह पूजे जाते हैं, कृष्ण सब जगह पूजे जाते हैं भगवान, क्योंकि वो वहां का हिंदुस्तान के लोगों को धर्म ने जोड़ा। तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धता है। तो मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि जब मैं वहां नासिक रहा तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए। तो मैं जब उनके घर जाता था तो गुरु नानक देव जी की फोटो लगाते थे। तो मैंने सवाल किया उनसे, मैंने भी गुरु नानक देव की फोटो तो ज्यादातर सरदार लोग लगाते हैं उनके पहले गुरु हैं, बोले नहीं जी हमारे भी सबसे पहले गुरु हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों का नाम नानक भी और नानकी, तो आजकल नया जमाना आ गया लोग नए नए तरह के नाम रखते हैं, लेकिन पहले मैंने जब मैं आपको 30-35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ तो उनके बड़े लोगों का ये नाम था। और मैंने जितने भी सिंधी समाज के लोग थे, मैंने जिसके घर गया मैंने गुरु नानक देव जी की और भगवान झूलेलाल जी की वहाँ पे फोटो देखी। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने पूछा था, मैंने भी सरदारों के प्रथम वो हैं, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भी ये कह रहे नहीं कि ये सबसे पहले हमारे भी हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे भाई साहब ने बताया
कि प्रकट हुए और ये इस चालीसे की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे कह रही कि दो साल पहले हुआ है, अब जब भी प्रोग्राम बनाएंगे आपके साथ मिलकर बनाएंगे, जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका दोबारा फिर वही दिल्ली प्रदेश बीजेपी में वही होगा, क्योंकि ये सिंध समाज में इसमें ज़्यादातर 90-95% लोग भाजपा के समर्थक, तो इसलिए आप लोगों का आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान कराया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हमारा बेटा भी है प्रतीक, और इसने बोला इसने कहा कि आपने इसके बारे में भी हम कुछ बोला था, आना जरूर है, तो इसने तो आज हमें भगवान जी के दर्शन कराए, तो हम इसका भी आभार। ये तो बिल्कुल हीरा है आपका, आपको सच्ची बताते हैं ये सब हमारे साथ ही नहीं किसी के साथ भी ये घुल मिल जाता है, और कुछ काम बोलो इसके मुंह पे कभी ना नहीं है, ये हर काम इसको जो इसके बस में नहीं भी होता वो भी कोशिश करके ये करवाता है। इसके बारे में हमारे नागरानी साहब कुछ बोलना चाहिए। भाई ये तो मैं तो इसको अपना बेटा के समान समझता हूँ, बेलानी ने मेरे को कई लोगों से मिलाया बीजेपी के, मैं इसको कहता हूँ सबसे बढ़िया तूने एक ही आदमी से मिलवाया है और वो है प्रतीक। इसी बात पे दो चार तालियां हो जाए। आयो बोला सभी जो झूले मनीष जी आप कुछ बोल दिए सबने आप बोलने बोल दिए। अब मैं हमारे बीच में मिसेज मंजीत खन्ना हमारे पूर्व काउंसलर उनकी मिसेज हाईवे मिस्टर मंजीत खन्ना आइए आइए आइए। मिस्टर सुनील नरूला ये भी हम इसको कुछ काम बोलते हैं तो कोशिश की पूरी रहती है कि वो काम हो जाए। कमल राजा कमल साहब ये हमारे मिस्टर लालवानी हैं, ये हमारे एक सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट दिल्ली के, और मैं उसका भी मैं बिलिया देवानी बिंदिया देवानी शकुंतला उनको ये लगता है कि हम लोग वापसी चला सुधरेंगे हम वापसी। मिसेज लालवानी एंड मिसेज बत्रा आइए प्लीज। अच्छो असंजी अजी हमारे आज के कलाकार नीलम का जी नीलम आ भाई ये
डॉक्टर साहब आपको एक और चीज बतानी थी कि आपने अभी गुरु नानक देव जी की बात करी ना, हमारा यहाँ पे 16 ब्लॉक में एक गुरुद्वारा है, सिंधी गुरुद्वारा जिसको हम टिकाना कहते हैं, और वहाँ पे हर साल गुरुपूर्व गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है और 3 दिन तक वहाँ पे चलता है भंडारा और सूर्य प्रभात फेरी निकलती है, और जिस दिन होता है उस दिन कम से कम 4,000 आदमी बैठ के वहाँ पे लंगर खाते हैं। अब मैं मंच पे माखीजा फैमिलीज को बुलाना चाहूंगा, तो इनका हमेशा हर पूरे सिंधु समाज को हर तरीके से हर तरीके का सहयोग रहता है। एक बार इनके लिए जोरदार आयो वाला Thank you.